ढेंकानाल सदाशिवपुर रे हेबो कॉमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपो 395 कोटी पुंजी निवेश करिबो इंडियन ऑयल बीपीसीएल एचपीसीएल उपकृत हेबो अनुकूल केन्दुझर देवगढ़ ढेंकानाल ढेंकानाल सदाशिवपुर रे हेबो कॉमन यूजर फैसिलिटर तैल डिपो 42,000 किलोलीटर स्टोरेज क्षमता विशिष्ट स्वयंचालित तेल डिपो रे एमएस एचएसडी इथाइल एवं बायोडीजेल को संरक्षित कर रखा जिवो एही प्रकल्प पई राज्य सरकार कठारु 49.67 एकर जगह किणा जिवो विशेष करी पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन खर्च ह्रास दिगरे विशेष लाभदायक हेबो ए कॉमन यूजर फैसिलिटी डिपो प्राय 50 एकर जमि रे 395 कोटी व्यय रे इंडियन ऑयल बीपीसीएल एवं एचपीसीएल रो मिलित सहभागिता रे एहार निर्माण करा जिवो এই ডিপো দ্বারা অনুগুল কেন্দুঝর দেবগড় ও ঢেঙ্কানাল জেলা বিশেষ উপকৃত হবে এই কার্যক্রম যে তয় কিয়া গিয়া হ্যায় 28 তারিখ কো শনিবার কো দিন মে মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমারে ধর্ম প্রধান জি মহোদয় যে আমি এডুকেশন এন্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট এন্টারপ্রেনারশিপ কে প্রভারী ইনচার্জ হ্যায় আর মাননীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি জি যে আমারে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রালয় কে ইনচার্জ হ্যায় इनके कार्यक्रमों द्वारा माननीय एमओएस मिस्टर रमेश्वर तेली जो पेट्रोलियम विभाग के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और हमारे साथ जुड़े रहेंगे माननीय एमपी श्री महेश साहू और माननीय एमएलए श्रीमती सीमा रानी नायक उस दिन उस प्रोग्राम में मौजूद रह के अपने कार्यक्रमों द्वारा भूमि पूजन और इस प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे फाउंडेशन स्टोन लिंग सेरेमनी का एक हिस्सा बनेंगे ताकि ये कार्य हम आगे कर सकें। यही प्रकल्प निर्माण और परिचालन रे 2,00,000 मानव दिवस सृष्टि हेबो यही प्रकल्प पर भविष्य में बीपीसीएल और एचपीसीएल रो मिलित सहभागिता रे द्रुता पेट्रोलियम कॉमन यूजर फैसिलिटी प्रकल्प स्थापन करिबार योजना रही सेपरि पश्चिम ओडिशा रो झारसुगुड़ा रे पेट्रोलियम टर्मिनल स्थापन पई बीपीसीएल प्रस्ताव रखी एथिपाई बीपीसीएल ओ एचपीसीएल सह मिशी 98 एकर जगह चिन्हट होइतिबा कहिसेंती इंडियन ऑयल रो राज्य मुख्य शुभजीत घोष कि जब ये कार्य होगा 2,00,000 मैन डेज का कंस्ट्रक्शन ये डिपो तैयार होते होते जो हमारा अनुमानित समय है 31/8/2023 तक हम खत्म करना चाहेंगे 24 महीनों के अंदर और 2,00,000 मैन डेज का कंस्ट्रक्शन कि हमको एक उपलब्धि होगी उसके बाद जब डिपो चलेगा वहाँ पे भी काफ़ी मैन पावर की जरूरत होगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में उड़ीसा में इस प्रयास से हम और आगे बढ़ जाएंगे 2023 सुधा ये प्रकल्प काम शेष करने को लक्ष्य धार्य रखा जा तत्कालीन केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नेतृत्व में बीपीसीएल बलांगीर में 44 टीएमटीपीए क्षमता विशिष्ट बॉटलिंग प्लांट निर्माण करा जहां रेकर्ड समय 19 मास मध्ये कार्यक्रम होता यह आरंभ होगा दिन ठारु प्लांट रे प्राय 25,00,000 एलपीजी सिलिंडर भर जाऊँगी बॉटलिंग प्लांट रे प्रतिदिन परोक्ष रे 100 व्यक्ति को रोजगार जगा जाऊँगी भुवनेश्वर चिन्मय साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।